परमेश्वर का नया वायदा। एक स्वर्गदूत ने एक जवान औरत मरियम से कही कि वह परमेश्वर के लड़का का पैदा करी। वह अभय कुंवारी रहा, लेकिन पवित्र आत्मा वही पर आओ और वह गर्भवती भई। वह एक लड़का का पैदा कीनेस, जिसका नाम वह यीशु रखेस। यही खातिर यीशु परमेश्वर और आदमी दोनों है। यीशु ने बहुत से चमत्कार कीनेस, जौन दिखावत है कि वह परमेश्वर है। वह पानी में चलो और आंधी का शांत कीनेस। वह बहुत से बीमार लोगन का ठीक कीनेस और बहुत से लोगन में से दुष्ट आत्मन का निकारेस। वह मरे आदमी का जिया दीनेस और वह 5 रोटी और 2 मछरिन से 5,000 लोगन का खाना खवावे के खातिर पर्याप्त भोजन में बदल दीनेस। यीशु एक महान गुरु भी रहा है। जौन कुछ भी वह सिखाइस, वह सिद्धता के साथ ही सिखाइस। जौन वह लोगन से करें के खातिर कहिस, वह उन्हें का करो चाहिए। कहे से वह परमेश्वर का लड़का आए। उदाहरण के खातिर वह सिखाइस कि तुम का दूसरे लोगन को वही रीत से प्रेम करें के जरूरत है, जैसा तुम खुद से प्रेम करत हो। वह यह भी सिखाइस कि तुम का सभी चीजन से ज्यादा और अपनी संपत्ति से भी ज्यादा परमेश्वर का प्रेम करो चाहिए। यीशु ने कहो कि संसार में कोनो भी चीज का पावे से ज्यादा अच्छा है परमेश्वर के राज में हो। वही के राज में तुमका घुसे के खातिर जरूरी है कि परमेश्वर तुमका तोरे पापन से बचाई। यीशु ने कहो कि कुछ लोग वही का स्वीकार करी हैं, परमेश्वर उन लोगन का बचाई, लेकिन दूसरे लोग वही का स्वीकार ना करी। वह यह भी कहिस कि कुछ लोग अच्छी जमीन के समान हैं, कहे से वही यीशु के बारे में शुभ संदेश का स्वीकार कर लिए थे और परमेश्वर उनका बचावत, लेकिन कुछ लोग मार्ग की कठोर जमीन की तरह हैं। परमेश्वर का वचन बीज की तरह मार्ग में गिरत है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं जामाता है। ही लोग यीशु के बारे में संदेश को अस्वीकार कर दिए थे, वहीं वह के राज में घुसे से इनकार कर दिए थे। यीशु सिखाइस कि परमेश्वर पापिन से बहुत प्रेम करत है। वह उन्हें का क्षमा करो चाहत और उन्हें का अपनी औलाद बनाओ चाहत। यीशु यह भी बताइस कि परमेश्वर पाप से घृणा करत है। कैसे आदम और हब्बा ने पाप कीनत है, यही खातिर वही के सारे वंशज भी पाप कीन। यह संसार में रहने वाला हर एक आदमी पाप करत और परमेश्वर से दूर हो जात। हर एक आदमी परमेश्वर का दुश्मन, लेकिन परमेश्वर ने यह संसार में रहने वाले हर एक आदमी से यह रीत से प्रेम करत है। वह अपने इकलौता लड़का का दई दीने, ताकि परमेश्वर वही का सजा ना दे जौन यीशु पर विश्वास करत, जिसकी बजाय हुई वही के साथ है हमेशा के खातिर रही हैं। हम मरें के योग, कहे से हम पाप कीन। परमेश्वर के खातिर यह उचित हुई कि वह हमका दंड दे, लेकिन यीशु हमारी जगह माँ पाप का दंड ले लिया था। परमेश्वर यीशु का क्रूस के मृत्यु दंड दीनेस। यीशु कबहू पाप नहीं कीनेस, लेकिन वह पाप के दंड का स्वीकार कीनेस, यहाँ तक कि सबसे भयंकर मृत्यु दंड का भी स्वीकार कर लीने। यह रीत से तोरे पापन का और यह संसार में रहने वाले हर एक आदमी के पापन का उठा ले जाए के खातिर वह एक सिद्ध बलिदान रहा। यीशु ने खुद का परमेश्वर के खातिर बलिदान कर दीने, यही खातिर परमेश्वर उन लोगन के कौनों भी पाप को यहाँ तक कि भयंकर पापन का भी क्षमा कर दिए जौन यीशु पर विश्वास करत हैं। भले ही तुम बहुत से नीक काम करत हो, लेकिन यही के द्वारा परमेश्वर तुमका ना बचाई। वही का साथी बने के खातिर ऐसा कुछ भी नव है जौन तुम कर सकत हो। यही की बजाय तुमका विश्वास करें का है कि यीशु परमेश्वर का लड़का है और वह तोरे बदले माँ क्रूस पर मरगा, और यह भी कि परमेश्वर ने वही का फिर से जिया दीन। अगर तुम यह पर विश्वास करिहा तो परमेश्वर तोरे पापन का क्षमा कर दई। परमेश्वर वह हर एक आदमी का बचाई जौन यीशु पर विश्वास करत और वही अपन प्रभु कर के स्वीकार करत, लेकिन वह उन्हें का ना बचाई जौन वही पर विश्वास ना करत है। यह कौनो मायने नहीं रखत है कि तुम धनी हो या गरीब हो, आदमी हो या औरत, बूढ़ हो या जवान, या तुम कहाँ रहत हो।
परमेश्वर तुमसे प्रेम करत है और चाहत है कि तुम यीशु पर विश्वास करा कि वह तोर साथी बन सके। यीशु तुमका बुलाए रहो है कि वही माँ विश्वास करा और बपतिस्मा लिया। कहे तुम विश्वास करत हो कि परमेश्वर का इकलौता लड़का यीशु ही मसीह है। कहे तुम विश्वास करत हो कि तुम एक पापी आदमी हो और या कि तुम परमेश्वर द्वारा दंड दिन जाए के योग्य हो। कहे तुम विश्वास करत हो कि तोरे पापन का मिटावे के खातिर यीशु क्रूस पर मरो। अगर तुम यीशु पर विश्वास करत हो और जौन वह तोरे खातिर कीन है वही का स्वीकार करत हो तो तुम यीशु के एक अनुयायी हो। शैतान अपने अंधकार के राज में अब तुम पर शासन ना करी। अब परमेश्वर अपने प्रकाश के राज में तुम पर शासन करत। वह तुमका पाप ना करें से रोक दई जौन तुम पहले से करत हो। वही ने तुमका एक नया उचित जीवन दई देन है। अगर तुम यीशु के अनुयायी हो तो जौन यीशु ने कीन है वही के कारण परमेश्वर ने तोरे पापन का क्षमा कर दीन। अब परमेश्वर एक दुश्मन के बजाय तुमका एक सच्चा साथी मानत है। अगर तुम परमेश्वर के साथी हो और प्रभु यीशु के सेवक हो तो तुम जौन बातन का पालन करें का इच्छा करिहा जौन यीशु तुमका सिखावत। भले ही तुम यीशु के अनुयायी हो शैतान अब भी पाप करवावे के खातिर तोर परीक्षा करी। लेकिन परमेश्वर हमेशा वह करत है जौन वह कहत है कि वह करी। वह कहत है कि अगर तुम अपने पापन का मान लिहा तो वह तुमका क्षमा कर दई। वह तुमका पाप के खिलाफ लड़ें का सामर्थ्य दई। परमेश्वर तुमका प्रार्थना करें और वही के वचन का पढ़ें के खातिर कहत। वह तुमका दूसरे विश्वासियन के साथ है मिलकर वही के आराधना करें के खातिर भी कहत। तुमका दूसरे लोगन का भी बतावें का है कि वह तोरे खातिर काय करत। अगर तुम इन सब कामन का करिहा तो तुम वही के एक सच्चे साथी बन जाइहा। रोमियो अध्याय 3:21-26 वचन, अध्याय 5:1-11 वचन, यूहन्ना अध्याय 3:16 वचन, मरकुस अध्याय 16:16 वचन, कुलिसियो अध्याय 1:13-14 वचन, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5:17-21 वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 1:5-10 वचन से बाइबिल के एक कथा।